तो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है हमारा गायन शैलियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से कि इनमें से प्राचीन काल में कौन सी गायन शैली प्रचार में थी। तो देखिए ध्रुपद, ख्याल और धमार जो है वो तो अभी भी हम लोग गाते हैं, ठीक है। जाति गायन जो है वो नहीं गाते हैं, इसका मतलब प्राचीन काल में जाति गायन गाया जाता था, ठीक है। सेकंड है, ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर ने किस गायन शैली का आविष्कारक माना जाता है। तो ध्रुपद में, अभी इसके पहले मैंने वीडियो बनाई है ध्रुपद के बारे में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद का आविष्कार किया। ध्रुपद की गायन शैलियों को क्या कहा जाता है, वाणियाँ कहा जाता है। ध्रुपद की चार वाणियाँ होती हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताई भी हैं। प्राचीन काल में वस्तु तथा रूपक किसके अंतर्गत आते हैं, तो वस्तु और रूपक जो है वो प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध के कितने अंग होते हैं, प्रबंध के 6 अंग होते हैं। प्रबंध के कितने धातु होती हैं, प्रबंध की 4 धातु होती हैं। निम्न में से अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है, अलाप्ति जो है वो अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है, मतलब कि बंधा हुआ नहीं होता है, बिना ताल के होता है ये अलाप्ति, ठीक है। टप्पा गायन का उद्गम कहाँ हुआ, टप्पा जो है वो पंजाब की है, ठीक। ख्याल किस भाषा का शब्द है, ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। रूपक नामक प्रबंध से किस भारतीय शैली का विकास हुआ, तो रूपक नामक प्रबंध से ख्याल शैली का विकास हुआ। द्रुत ख्याल का आविष्कारक किसे माना जाता है, तो द्रुत ख्याल का आविष्कारक जो है वो हम अमीर खुसरो को मानते हैं, अमीर खुसरो ने ही द्रुत ख्याल का आविष्कार किया था। विलंबित ख्याल का आविष्कारक किसे मानते हैं, तो विलंबित ख्याल का सुल्तान हुसैन शर्की ने किया था। विलंबित ख्याल में किस ताल का अधिक प्रयोग होता है, तो विलंबित ख्याल में मोस्टली एक ताल का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा जब लोग बड़ा ख्याल गाते हैं तो बड़ा ख्याल हम लोग मोस्टली एक ताल में ही गाते हैं, ठीक है। तराने के कितने भाग होते हैं, तराने के 2 भाग होते हैं। तराने में मृदंग के बोलों का प्रयोग करने पर किस गायन शैली का निर्माण होता है, तो तराने पर अगर हम लोग मृदंग के बोल बजाएंगे तो हमारे त्रिविट गायन शैली का निर्माण होगा। दादरा गीत किस ताल में गाया जाता है, दादरा गीत नाम से समझ में आ रहा है दादरा ताल में ही गाया जाता है। प्राचीन जाति गायन के कितने लक्षण थे, तो प्राचीन जाति गायन के 10 लक्षण थे। भारत में गजल गायन के उद्भावक कौन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती गजल गायन के उद्भावक हैं। दक्षिण भारतीय पदम गायन शैली उत्तर भारतीय किस शैली के सादृश्य है, ध्रुपद। हमारा जो हिंदुस्तानी पद्धति में ध्रुपद है वहाँ पे पदम है, दोनों इक्वली है, नाम में अंतर है बस। इनमें से कौन सी गायन शैली भक्ति प्रधान है, तो समझ ले कृति, ज्वाली, वर्णम, वैसे तो ये सारे दक्षिण साइड के वो हैं, दक्षिण साइड की गायन पद्धतियाँ टाइप समझ लीजिए आप, गायन के पार्ट्स हैं। बनाऊँगी इस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊँगी मैं। तो देखिए कीर्तनम, नाम से समझ में आ रहा है कीर्तन के बारे में बात हो रही है, तो कीर्तनम जो है वो हमारी भक्ति प्रधान है, ठीक है। सेकंड है 21 है, ख्याल के सदृश दक्षिण भारतीय कृति गायन में लिए जाने वाले बोल आलाप एवं बोल तानों को क्या कहा जाता है, तो निरावल कहा जाता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी मैं, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू।